सो हे गाइस, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं Realme UI 5.2 Android 14 का एक न्यू अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है Realme GT 2 के लिए, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो साइज है यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 409 MB का देखने को मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन है बीटा वर्जन। इससे पहले वाला जो Realme UI 5.2 का अपडेट था जो कि फेब में आया था, वो यहाँ पे ट्रायल वर्जन था। अब यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन देख सकते हैं 14.0.0.86EX01 का यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 14 Realme UI 5.0 जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा इस चेंज लॉक की। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि सेटिंग यहाँ पे ओपन करेंगे, सेटिंग ओपन करने के बाद अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फोन है यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है Realme UI 5.0 बीटा वर्जन पे। एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं 14 देखने को मिलता है, और यहाँ पे मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चेंज लॉग मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबाउट दिस वर्जन में यहाँ पे आपको पुराना वाला चेंज लॉग देखने को मिलता है, मतलब Realme UI 5.0 में क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका जो फर्स्ट अपडेट था जिसमें सारे फीचर्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाया था, वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। और ये बहुत सारे यूजर्स के यहाँ पे पहला Realme UI 5.0 का भी अपडेट हो सकता है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल Realme UI 5.0 का चेंज लॉग देखने को मिलता है, बस यहाँ पे आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दे दिया गया है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। जैसा कि देख सकते हैं 5 मार्च 2024 का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, तो ये जो अपडेट है गाइस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने पब्लिश किया था, 500 MB का साइज यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे ट्रायल वर्जन से बीटा वर्जन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बग फिक्स किए गए हैं, और लिटिल बिट यहाँ पे स्मूथनेस एनिमेशन इन सब में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एनिमेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग आप देख सकते हैं कितना स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से ये यहाँ पे वर्क करता है। काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है Realme UI 4.0 से, तो काफ़ी ही बढ़िया यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, कंट्रोल सेंटर जैसा था वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको वॉल्यूम पैनल जैसा था वैसे यहाँ पे देखने को मिलता है। एक न्यू वॉल्यूम पैनल यहाँ पे आने वाला है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, तो उसके लिए आप वेट करिए गाइज। जहाँ पे एक न्यू कंट्रोल सेंटर और न्यू वॉल्यूम पैनल वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो Realme UI 5.1 के अपडेट में यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं गाइज, काफ़ी यहाँ पे स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप गाइज आपको एनिमेशन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद Realme UI 5.0 में बैटरी बैकअप बढ़िया देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप के बारे में गाइज यहाँ पे मैं आपको एक न्यू रिव्यू का वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे हम बात करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन करें, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे अपडेट आते ही सभी यूजर्स यहाँ पे शेयर करने लगते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, और कोई क्वेश्चन है Realme GT 2 के Realme UI 5.0 अपडेट से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।